ऊपर से जो है ये ग्रीन दिखता है, बट अंदर से ये कुछ पिंक कलर का है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो एवरीवन, सही है, वेलकम टू माय नंबर वीडियो गाइस। तो आज हम लोग फिर से चल रहे हैं एक न्यू ब्लॉग शूट करने के लिए। मेरे पास ब्लॉग का कमी हो गया था, मैं सोचा कि कहां चला जाए तो कुछ समझ नहीं आया, तो फिर मुझे याद आया एक पार्क, तो अभी चल रहे हैं उस पार्क की तरफ। और हम लोग चल रहे हैं अभी लेक गार्डन। लेक गार्डन जाने के लिए आप पार्क सर्कस से भी ट्रेन ले सकते हैं, पार्क सर्कस से ट्रेन लेकर के आप जा सकते हैं लेक गार्डन। और अगर पार्क सर्कस से नहीं लेना है तो आप फिर सियालदह से ले सकते हैं, और सियालदह से मेट्रो भी मिलता है, तो मेट्रो जाता है सरोवर गार्डन ऐसा कुछ नाम है, और लेक सरोवर ऐसा कुछ नाम है, तो आप वहाँ उतर सकते हैं। अभी है हम लोग लेक गार्डन स्टेशन में, और ये हमारे नीचे है लेक गार्डन। मैं ऊपर आकर के देख रहा था कोई अच्छा सा प्लेस, तो ऐसा है कुछ लेक गार्डन। आप अगर पार्क सर्कस या कहीं से भी आ रहे हैं तो यहाँ एक लोकल ट्रेन चलता है लेक गार्डन, आप यहाँ उतर सकते हैं, और यहाँ उतरने के बाद आप इस साइड आ सकते हैं। यहाँ से जो रास्ता सामने दिख रहा है वहाँ सामने है लेक गार्डन। रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद यहाँ पे चार रास्ते हैं, एक सामने, एक लेफ्ट और एक राइट। तो राइट साइड जो रास्ता जाता है वो जाता है लेक गार्डन की तरफ। इस साइड से जो लोग नज़र आ रहे हैं ये रास्ता जाता है लेक गार्डन की तरफ। ये सामने है लेक गार्डन का गेट, और यहाँ पे चार पांच गेट है, तो एक गेट ये है, और यहाँ पे गाड़ी वाड़ी का पार्किंग भी है, लेकिन यहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं। सामने में एक है क्लब, तो क्लब का ही पार्किंग है, यहाँ पे दूसरों के लिए नो एंट्री है, लेकिन आप बात करके शायद यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ से एंट्री है लेक गार्डन का, और ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे, आपको ज़्यादातर युवक मिलेंगे यहाँ पे, एजेड लोग आते नहीं हैं, आप समझ सकते हैं क्यों। साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन की चीज़ है, छोटे छोटे यहाँ पे पेड़ लगे हुए, तो आप उनका उसका नाम पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्यू आर कोड है, तो आप उसको स्कैन करके इसके डिटेल्स भी निकाल सकते हैं। तो जी ऐसा है कुछ यहाँ की खूबसूरती, और लेक गार्डन तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाया हुआ है। ये सामने कुछ इस टाइप पुल वुल बनाया गया था, बट इसको बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर दिया गया है, इसको अगर रेनोवेट किया जाता तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता, तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ का। और भी यहाँ बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत पेड़ पौधे फ्लावर्स भी लगे हुए हैं। वीडियो करते करते मेरा ध्यान जब उस पत्थर पर गया था, तो मुझे लग रहा था कि ये सब अंडा है, बत्तख रहता होगा पानी में और अंडा दिए है, लेकिन ये अंडा नहीं है। जब मेरी नज़र इन पत्थरों पर पड़ी तब मुझे आया कि कुछ कमबख्त लोगों ने यहाँ पानी में मारा है, और वो साफ होने के बाद कुछ बत्तख के अंडे की तरह दिख रहे हैं। यहाँ चारों तरफ मस्त गार्डनिंग किया हुआ है, काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पर फ्लावर्स है, और फ्लावर्स तो नहीं है बट इस टाइप का कुछ पौधे लगे हुए हैं जो अच्छा खूबसूरत लग रहा है, ग्रीन और पिंक का लुक दे रहा, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और चलने के लिए जो फुटपाथ बनाया हुआ वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, अच्छा लग रहा है। जैसे मेरे पीछे फिर से एक और ब्रिज है, तो वो भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। देख इस फ्लावर्स को देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा है, ऊपर से जो है ये ग्रीन दिखता है, बट अंदर से ये कुछ पिंक कलर का है, तो काफ़ी मस्त है। ये लेक गार्डन जो है सुबह के 5 बजे खुल जाता है और रात के 8 बजे बंद होता है, तो 5 बजे ओपन होता है, यहाँ लोग जॉगिंग करने आते हैं, और उसके बाद जो आते हैं वो तो आप समझ ही रहे हैं किस लिए आते हैं, समझ रहे हो। अभी हम लोग यहाँ बैठे थे, और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो काफ़ी तेज़ी के साथ बोर्ड चला रहे हैं। लेक गार्डन में एक आर्ट गैलरी भी बनाया हुआ है, और अभी हम लोग इसके अंदर में चलते हैं और देखते हैं इस आर्ट गैलरी के अंदर में क्या है। इस आर्ट गैलरी में काफ़ी सारी मूर्तियां हैं जो रखी गई हैं। सब मूर्तियों का क्या है कि नीचे में इंफॉर्मेशन तो दिया हुआ है, बट अपने को बंगला नहीं आता है, तो हम लोगों ने एक जुगाड़ लगाया था, तो क्या है कि पूरा ट्रांसलेट कर देता है, समझ में आया है कि यह क्या है। तो हम लोग सारी मूर्तियों के इसी तरह से हम लोग देखा है, तो काफ़ी मस्त चीज़ है।
और ये मूर्तियाँ भी और गूगल ट्रांसलेट भी। चलते चलते हमारी नज़र एक ई टॉयलेट पर बनती है। मैंने सब कुछ सुना था लेकिन ई टॉयलेट नहीं सुना था, तो पता नहीं ई टॉयलेट का होता है। नीचे में लिखा इको क्लीन इलेक्ट्रॉनिक टॉयलेट विथ बायो डाइजेस्टर। पता नहीं इसके अंदर जाया कैसे जाता है और लोग हंसते कैसे हैं। हमें तो बस एक ही तरीका आता है करने का। आज पहली बार हम लोग लेक गार्डन को बहुत इत्मीनान से और बहुत बारीकी से घूम रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे चीज़ हैं जो हम लोग को फर्स्ट टाइम देखने को मिला है। तो जी, हमें यहाँ आए हुए करीब एक से डेढ़ घंटा हो गया और अभी तक हम लोगों ने यहाँ का सिर्फ आधा घूमा है। तो ये पार्क जो है 73 एकड़ में फैला हुआ है, तो सोच सकते हैं कितना लंबा चौड़ा है। इस पार्क का एक एंट्री गेट इधर से भी और एक और एंट्री गेट है जो हम लोग इस साइड जाएंगे तो इसका एक कोना में पड़ेगा। यहाँ पे तीन ट्रैक बने हुए, एक ट्रैक जिसमें मैं चल रहा हूँ, दूसरा ट्रैक ये और तीसरा ट्रैक उधर वाला। इस ट्रैक पे रहते हैं जो कपल्स लोग हैं, इस ट्रैक पे रहते हैं जो हाल फिलहाल में जॉगिंग स्टार्ट की है, और उस ट्रैक पे रहते हैं जो काफ़ी लंबा टाइम से जॉगिंग करते आ रहे हैं। तो हमें हर बार ट्रैक को चेंज करना पड़ता है। पार्क इतना बड़ा है कि आप अगर जॉगिंग करते हैं और इस पार्क का पूरा एक चक्कर लगा लेते हैं तो आपका एक दिन का जॉगिंग का जो क्राइटेरिया है ना, वो पूरा हो जाएगा। ये पार्क इतना बड़ा है। मस्त जोक मारा रे। मैं पैदल चल रहा हूँ, पैदल चलते चलते मेरा हालत। पार्क में जो है ना, बैठने वालों के लिए कमी नहीं है, बैठने के लिए जगह पे कमी नहीं है। क्या है कि यहाँ हर जगह पे जो है इतना सारा चेयर्स बने हुए हैं कि यहाँ पे लोग कम है, बैठने वाले चेयर की तादाद ज्यादा है। चल झूठ। इस लेक टाउन के पास में ही एक ऐसा कुछ टापू बना हुआ है। ये जो सारे दिख रहे हैं वो सारा पानी के बत्तख है और नीचे पूरा वाइट वाइट जो लग रहा है तो वो उन लोगों ने अपना पॉटी किया तो अपना पूरा एजेंट को कर दिया वाइट। गजब बेइज्जती है। काफ़ी ज़्यादा ड्रामा लग रहा है वो टापू। ऐसा फिल्मों में होता है ना, पूरा एक ऐसा टापू होता है जहाँ से खाली कौवा लुक उड़ता है, तो कुछ इसी टाइप का सीन है। वहाँ पे भी एक टापू है जिसमें एक है मस्जिद, तो हमें उसकी ज़रूरत है। मॉस्क्यू में आने के लिए जो है पहले तो हमें गेट से बाहर निकलना होता है, फिर उसके बाद गोल चक्री काट करके एक छोटा सा पतला सा रास्ता आता है जो हमें लेकर के आता है इस मॉस्क्यू की तरफ। और ये ब्रिज काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ और एक टापू पर मस्जिद है, तो ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात है। इस ब्रिज से होते हुए हम लोग मस्जिद की तरफ जा सकते हैं और यहाँ से नज़ारा कुछ इस प्रकार का दिखता है। अब ये मस्जिद जो है ना काफ़ी खूबसूरत है, लेक मस्जिद। इस मस्जिद का नाम है और लेक गार्डन के अंदर में ही है और एक आइलैंड पे बना हुआ। इतना ज़्यादा खूबसूरत मस्जिद है बट इसमें नमाजियों की तादाद बहुत कम है। अब हम लोग निकल रहे हैं इस खूबसूरत से मस्जिद से बाहर। सामने वाले गेट से निकलने से हम लोग ये लेक गार्डन से ही बाहर निकल जाएंगे। हम लोग वापस से पहुँच गए हैं जहाँ से हम लोग एंट्री किया था। हम लोग अभी यहीं से एंट्री किए थे इसी गेट से, और उस साइड था अपना रेलवे स्टेशन। तो वापस हम लोग रेलवे स्टेशन की तरफ चलेंगे। टिकट तो हम लोग का पहले से लिया हुआ था, तो अब डायरेक्ट हम लोग चलेंगे घर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और कुछ सीखने को और कुछ जानने को मिला हो। तो इस वीडियो में इतनी, और आपसे मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।